मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय ने दिल्ली में सोमवार को कहा कि भाजपा शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के विधायकों को 25 से 35 करोड़ तक का ऑफर दे रहे हैं। यह कर्नाटक नहीं मध्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय की पुरानी आदत है। दिग्विजय ने कहा कि मैंने बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाता। शिवराज और नरोत्तम में सहमति बन गई है। एक मुख्यमंत्री और दूसरा डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। शिवराज और नरोत्तम कांग्रेस विधायकों को फोन कर रहे हैं और खुलेआम 25 से 35 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं। 5 करोड़ अभी ले लो, दूसरी किस्त राज्यसभा चुनाव में और तीसरी किस्त सरकार गिराने के बाद दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। दिग्विजय झूठ फैलाने में माहिर है, उन्हें अपनी उपयोगिता दिखानी होगी और किसी को डराना धमकाना होगा, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनवरी 2019 में भी भाजपा नेताओं पर कांग्रेस विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने कहा था कि भाजपा नेताओं द्वारा विधायकों को 100-100 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं, मेरे पास इसके सबूत हैं। इस पर भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा था कि दिग्विजय आरोप लगाने से पहले सोचे कि 100 करोड़ की राशि होती कितनी है। कर्नाटक में 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जेडीएस की 14 महीने पुरानी गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई थी। गठबंधन ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। फ्लोर टेस्ट में कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। राज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब जिन्होंने 15 साल तक मध्य प्रदेश को लूटा, वे विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। 5 करोड़ अभी ले लो और उसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त में, दूसरी किस्त राज्यसभा में और तीसरी किस्त में आखिरी में सरकार गिराने में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। झूठ बोल के सनसनी फैलाना ये उनकी पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना होगा, अपनी इम्पोर्टेंस जतानी होगी, इसलिए इस तरह के आरोप। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.